डिग्री ऑफ द लास्ट विधान वाक्य जो हो जाएगा तो विधान वाक्य के अंदर सु मार्गेश्वर सु नित्या और टू यानी चर्चा आपने लास्ट करी थी वाक्य ना प्रकार हो या डायरेक्ट अबे नाइंथ टॉपिक आपने जो बात होता है ये सिर्फ प्रश्नार्थ मार्क खास सुन लो ये वस्तु आ रही है प्रश्नार्थ वाक्य वाक्य तो जो ये यार डायरेक्ट स्पीच में डीएस में प्रश्नार्थ वाक्य उपमा आयु है तो तेनो विधान वाक्य में विधान प्रश्न पूछे
जवाब
हाँ अथवा ना। संज्ञा जवाब हाँ या ना। नो अरे तो मेरा एग्जांपल आप सुबह क्या कहते थे तुम जो हाँ ना ठीक है ना। तो आर यू टेक अ टी, आर यू टेकिंग अ टी, हमें चाय ली थी, आर यू ड्रिंकिंग अ टी, हमें चाय ली थी, तो है ना वाले आगे ना के तो पढ़े हम तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मैं तुम्हारा नाम सुन रहा हूँ, तो नंबर जो नाम आपको आगे नंबर जो आप बोल रहे हो दैट इज मींस ये एक प्रश्न है डबल एक्सप्रेशन भी पूछो है। चलो अब आगे यार एक वाक्य शुरुआत वाक्य की शुरुआत डबल एक्सप्रेशन की तभी हो डबल एक्सप्रेशन की तभी हो क्या संयोजक करेंगे, संयोजक करेंगे तो आउट है डबल एक्सप्रेशन सहायक क्रिया के जरिए फॉर तो संयोजक तरीके की बात आज हमारा सेंटेंस जो वाक्य ने शुरुआत डबल एक्सप्रेशन के जरिए हाय ओ परिधि का उसके बाद संयोजक तरीके से उपमान उसमें डबल एक्सप्रेशन का वाली नाउ सिचुएशन कोई बात नहीं। सर अजय एक बार समझाओ ना। ओके थैंक यू मास्टर सर। आवाज अटकी अटकी ने आवे छे થોડો ઇશ્યુ છે તો ધ્યાન આપો ચાલો મેઇન સહાયક ક્રિયા તરીકે ઇત્યાદિ તો જો વાક્યની શરૂઆત સહાયક ક્રિયા તરીકે આપી છે ત્યારે એક વાપરવાનો આ મેઇન વસ્તુ સંયોજકની છે બીજો મુદ્દો તમારું વાક્ય ડબલ એક્સપ્રેશનથી શરૂ થયું હોય વાક્ય શાથી શરૂ થયું હોય डबल एक्सप्रेशन सर जी ठीक माना 10 मिनट हम ये तो पूछिए आप जारे तुम्हारा वाक्य डबल एक्सप्रेशन से शुरू हुई हो तो तुम्हारे हमारे संयोजक तरीके डबल पूछी बताओ वाक्य बताओ व्यक्ति बताओ है व्हेन बताओ व्हेन आवश्यक ओके तो हो गया जो प्रश्न तो हम कोई क्वेश्चन तो बच्चे एक वक्त रिवीजन करने को आपको हाँ ओके चल फरीदी ये क्या फरीदी क्या क्या वाक्य बीएसपी अंदर प्रश्न है बराबर तो तुम्हारे एक्शन का फिर होगा तो ये विधान कितना आप यूज़ करें इंपोर्टेंट कितना है राइट अबे वाक्य कितना है तुम्हारा क्रिएशन से बोलना आज तो सामान्य एक्टर डबल एक्सप्रेशन की कॉम्पलीट कर હવે વાક્ય છે ને ડિસ્કશન કરતા હે ત્યાર પછી સહાયક ક્રિયા પછી ક્રિયાપદ પરમ અને અન્ય શબ્દ તો આજે કોમ્પ્લીટ મોડમાં બેસાડે તો હવે ઓ સેન્ટેન્સ ઉપર જાવ હવે એમાં આપણે બે પ્રકાર પડ્યા હતા કે પ્રશ્ન કઈ રીતે એક સહાયક ક્રિયા પછી બીજું ડબલ એક્સપ્રેશન બી રાઈટ તો સહાયક ક્રિયા પદમાં કી કી ક્યાં આવે કે તો બોલે तो सहायक क्रिया पद के लिए प्रश्न हो तो इन डबल एक्सप्रेशन हो डबल सिंपल हो सकता है ओके तो अब क्वेश्चन जो है राज सेडपुर हिज मदर कैन आई हेल्प यू राजे प्रश्न कोने पूछो छे एना मम्मी ने सु प्रश्न पूछो छे सु तुम्हारी मदद करू सु प्रश्न छे सु मो तुम्हारी
मदद करूं और सवाल उठाता हूं तो राजी है। अब आपको प्रश्न पूछना है तो फिर सहायक क्रिया का क्या है, तो अपने को पड़ेगा सहायक क्रिया का क्या है, तो हम जवाब अपने समाधि में सो इफ दैट सो आई यूज। तो जो ये कौन पूछे थे राज आज स्पीडर मीन्स मदर राज आज स्पीडर हिज मदर कौन है प्रश्न से संयोजक शुंगु इफ के डबल एक्सप्रेशन प्लीज गिव मी द आंसर सहायक क्रिया से अवश्य अवश्य सहायक क्रिया को तुम आप कैन भी प्रश्न में पूछ रहे हो बोल भाई अब मैसेज छोड़ मैंने कब नहीं किया। तो जो सहायक क्रिया है वही कौसम आश्रय इफ तो सेना के प्रश्न आश्रय इफ अबे जो अगेन सहायक क्रिया का क्यों अरे आई जे આપણે શું કરીએ છીએ બાકી અંદર જો કરતા ની અંદર લાય સહાય ક્રિયા મતલબ પાછો લઈ ગયે તો કરતા કરતા કોણ છે આઈ તો આઈ જે કરતા તો સંયોજક તરીકે છે એ તો આપણે એ મતલબ આઈ જે તો બોલના કે કામ કરે તો બોલના તો એના માટે આવે વી રાજ જે કેન નું ભૂતકાળ ફૂડ હેલ્પર he could help what is it to be say kone karvani chhe can i help you you એટલે ana mother ne mother mate aavshe you chhe એટલે ha jo ama me gaila lecture ma pan side ma likhu chu to video jo shu ko mone ke ne pura ma mogle da ema jo kidu karta tarike sarvana hoy karta hu karno tarike sarvana hoy What are you શું ફરીથી શું વિચાર કરવાનો કોની વાત કરું છું ભાવના અને સંયોજક તરીકે શું આવશે વોટ સંયોજક તરીકે શું આવશે વોટ હવે શું ફેરફાર કરવાનો છે આના સ્થાને મૂકવું ને આજને કોના સ્થાને મૂકવું યુના સ્થાન અવ આ છે જો પાસે ચાલુ રૂપમાં જાય છે તો ચાલુ રૂપમાં કામો ચાલુ રૂપમાં કરેલા તો શી વોઝ ડુઇંગ નાઉ ધેન તો ધેટ્સ ઓલ આ તમામ ડાયરેક્ટ ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચ છે ચાલો હવે જસ્ટ 1 મિનિટ ચાલો
નંબર મારી રીતે આપી તમને તમારી રીતે આપજો બુકમાં હવે જો આગળ રાધા શ્રી કૃષ્ણ Are you coming with me? राधा ये सामने वो सवाल पूछो कैसे तुम हमारी साथ में आओ शो अब जो कौन प्रश्न पूछे थे तो राधा सेक्टर में आज क्या हमें सवाल पूछना होगा श्याम संयोजित तरीके से मुझे एक अब जो किस काम में पूछो आर्गुमेंटेशन तो मैं आम मैं एक किस काम में जो चेक बनी पास जीवन मैं एक मुझको आई हेलो प्लीज गिव मी द आंसर प्रिटी रवि रवि चलो आना क्या है एटलीस्ट मैं आपसे ब्रेक हो रवि चौहान No, 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 no. चलो मैसेज तुमको आ रहा है। सोलंकी नेहा। विचारो। अने सोलंकी मौत को फिर दर्शन मैसेज तुमको ले। आर इस आयल છે એટલે આ શું આવશે દીકરા ઇફ યુ એટલે ભગવાનની માટે વાત છે દીકરા વી આર નો ઉત્કાર વોઝ કમિંગ નો કમિંગ વિથ મી નો અર ઓકે ચાલો કે ટુ નેક્સ્ટ માય ફાધર સ્ટેટ ટુ me when you came at the home to our house to kya hai beta prashna kari na bol de ye vakta apno kya hai papa singh ke naam ho to bas to tha like bhai ke ko de do to hai na wo vastu main se सवाल से नहीं पूछो लगे व्हेन थी तो अरे मतलब तो फादर मैं फादर से नो आज का मी माय फादर आज का मी संयोजक तरीके सु मुछु व्हेन थी चाहे तो आप ऑब्वियसली व्हेन आ जाओ अबे यू सामने यू बोलते कौन सामने सामने तरीके हम बोलते हैं एटलाइन सु आई एक से हेड और के में लगे हो कान साधु मुक्ता तन कोना प्रमाण जैसे कोड़ा मुक्ता हेड कम एंड होम क्लियर क्लियर तो दिखो ना कि रूपाची ने पूछो सु एमा जनरल इक्वेशन आंसर को मैं पूछो ओके फटाफट ले ली